इसका एक्सपीरियंस मुझे किसी बाइक से कम नहीं लग रहा है। अभी मैं गाड़ी को पूरा खोल देता हूँ शोरूम जाने तक। गाड़ी का पावर आप यहाँ से फील कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगावेश। एंड लास्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, मतलब जो मोटो व्लॉगिंग का मैंने सेटअप किया था उस पर। उससे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जो कैमरा एंगल है वो उतना अच्छा नहीं है, आई मीन थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर हो सकता था। तो मैंने उसको देखा, बाद में समझा कि सच में प्रॉब्लम है कैमरा एंगल में, और मैंने उस पर थोड़ा काम किया है। गाइज़, एक बाइक है जिसका मुझे टेस्ट राइड लेने का बहुत मन था, बट कभी मैं मुझे मौका नहीं मिला उसका टेस्ट राइड लेने का। उस बाइक का नाम है एप्रिलिया BS6 160। और क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मुझे वो काफ़ी बाइक अट्रैक्टिव लगती है, वो देखने में बहुत प्यारी लगती है, और मेरे ख्याल से न्यू कॉलेज व्यूअर्स के लिए तो वो बहुत ही अच्छी बाइक है। फाइनली मुझे मौका मिला वो टेस्ट राइड लेने का, थैंक्स टू ऑटो कॉन्सेप्ट जिन्होंने मुझे मौका दिया टेस्ट राइड लेने के लिए। तो फिर अभी सीधा चलते हैं शोरूम और वहाँ से जाकर टेस्ट राइड लेते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी कैसी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगावेश। एंड आज मैं हूँ ऑटो कॉन्सेप्ट सीरम टोली में, और मेरे पास है एप्रिलिया 160, और इसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। BS6 मॉडल है। सो आगे ABS ब्रेकिंग है आगे, एंड पीछे जो ब्रेकिंग है वो है ड्रम ब्रेकिंग। एंड चाबी मेरे सामने है, बस अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको इसकी एक अच्छी से टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखाता हूँ। गाइज, इसमें किक स्टार्ट भी है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी है। तो अभी मैं बैठ गया हूँ गाड़ी की। हाइट इसकी अच्छी खासी है गाड़ी की, थोड़ी ऊंची गाड़ी है। इवन मेरी हाइट 5'5" 5'6" के आसपास है, फिर भी मुझे दोनों पैर इस तरह से रखने पड़ रहे हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का पावर मुझे फील हो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाड़ी का इनिशियल पिकअप उतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट हाँ अभी पावर फील हो रही गाड़ी की। अगर मैं बात करूँ गाड़ी की पिकअप की, तो पिकअप काफ़ी मज़ेदार है गाड़ी की, और ब्रेकिंग भी मुझे ठीक लग रही है अभी तक। अभी अच्छे से ब्रेक तो कर नहीं पाया हूँ मैं। अभी ये एरिया थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है, ये ट्रैफिक वाला एरिया, तो थोड़ा सा अच्छे एरिया में चलते हैं। अब इसकी पावर आप देखो, गाड़ी की पावर कितनी है। पावर बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की यार, मतलब स्ट्रीट हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। अब गाड़ी की आवाज़ सुन पा रहे हो अगर आप, तो अब देखो बहुत खूबसूरत से इसकी लाइटिंग है, ऊपर की रेड लाइट जलता है बिल्कुल। और अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, स्पीडोमीटर शायद इसका बंद किया हुआ है, अराउंड 30-40 में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। अब थोड़ा मैं इसको भगाता हूँ। तो थोड़े सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं। तो गाइज, इसमें अभी ओडोमीटर आप देख सकते हो, ट्रिप मीटर है, और लाइटिंग जो है इसकी नॉर्मल बल्ब लाइटिंग है, तो कोई हेलोजन लाइटिंग ऐसी नहीं है, डिसेंट लाइटिंग है। बट सबसे गौर करने वाली गाड़ी की बात है कि इसके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं, बाइक की तरह सस्पेंशन है इसके। और अभी मैं इतना रफ चला रहा हूँ गाड़ी, फिर भी गाड़ी में कोई जर्क ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। और गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है, मतलब आप जब गाड़ी पे होते हो तो यू आर थोड़ा सा टॉप में होते हो, जैसे आप कोई बाइक चलाते हो तो थोड़ी नीचे होते हो, बट इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, ऊपर है, और ये बहुत ही मज़ेदार बात है इस गाड़ी की। अभी मैं ब्रेक्स लगा रहा हूँ, ये ब्रेकिंग देखो आप, कितने प्यारे ब्रेक्स हैं गाड़ी के। ये एक्टिवा भी मैं चलाता हूँ, और ये मैं एप्रिलिया फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, और इसका एक्सपीरियंस मुझे किसी बाइक से कम नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि छोटी बाइक में एक बहुत सारा पावर डाल दिया गया है, और पिकअप तो कहना ही नहीं है, बिल्कुल आप जिप जैप जूम कर सकते हो उसके साथ। अभी मैं गाड़ी को पूरा खोल देता हूँ शोरूम जाने तक।
गाड़ी का पावर आप यहाँ से फील कर सकते हो। वन थिंग जो मुझे थोड़ी मुझे अपनी साइड की, मुझे थोड़ी स्मूथ बाइक्स पसंद है और इसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है। जैसे आप एक्टिवा अगर ये सब चलाते हो तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है। तो गाइस दिस इज़ द बाइक और ये बहुत ही प्यारी गाड़ी लगी मुझे चलाने में। कॉम्पैक्ट है और पावर है गाड़ी में और इसके जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप सिंगल यूज़र और टूअल के लिए भी बहुत अच्छी है और गर्ल्स को भी अगर पावर चाहिए तो ये बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्कूटी साबित होगी। इसमें आपको मिल जाता है एक चार्जर, इसके अंदर डिक्की में आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। सामने जो लेगरूम का स्पेस है वो ज़्यादा नहीं है बट काफ़ी सफिशेंट है। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट ज़्यादा है तो भी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप यहाँ से बेंड कर सकते हो उसको। गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है और पावरफुल है, मैं यही कहूँगा। और ऊपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें देखने मिलती नहीं है। ब्रेकिंग के लिए ये सब चीज़ अंदर दबा के रखा गया, तो ऊपर काफ़ी क्लीन एंड प्लेन रखा गया इन सब चीज़ों को। और गाड़ी तो अपने आप में लाजवाब लग रही है मुझे। और सबसे अच्छी बात लगी मुझे गाड़ी की लुक्स एंड पावर, दो चीज़ों के ऊपर आप गाड़ी खरीद सकते हो। एवरेज 160 बाइक है तो 35-40 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल गाइज, मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो, आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज अभी मैं निकल रहा हूँ ऑटो कॉन्सेप्ट से और मैंने मास्क पहन रखा है तो हो सकता है वॉइस थोड़ी सी लो आएगी बट अदर देन दैट एवरीथिंग शुड बी फाइन। गाइज अभी मैंने एप्रिलिया भी चलाई और अभी जस्ट मैं एक्टिवा भी चला रहा हूँ। दोनों में मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी 125cc एक्टिवा है और वो 160cc पावरफुल बाइक थी। और स्मूथनेस की बात करें तो ज़्यादा स्मूथ एक्टिवा लगेगा आपको बट अदर देन दैट गाड़ी वो जो एप्रिलिया की पिकअप बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। तो गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, लेग रूम कंपेयर टू एक्टिवा उसके लेग रूम थोड़ा कम है और गाड़ी चलने में तो बहुत ही अच्छी थी। बेसिकली यंगस्टर्स को मैं वो गाड़ी रेकमेंड करूँगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हो सामने, यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला था, ये गवर्नमेंट निकल चुकी है, 5 साल हो चुके हैं बट फ्लाईओवर नहीं बना। रास्ता वापस से जो काम स्टार्ट हुआ था उसको वापस से नॉर्मल कर दिया गया, सब कुछ फ्लैट हो चुका है, कोई फ्लाईओवर नहीं है यहाँ पर, जो कि बेहद ज़रूरी था बनना। अभी तक तो कोई फ्लाईओवर बन नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कॉल आ रहा था तो गाइज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे कल बोला था कमेंट करके कि जो कैमरा एंगल है वो प्रॉपर नहीं है, वो थोड़ा नीचे है। तो गाइज़ मैंने कैमरा एंगल पे थोड़ा काम किया है तो अभी हो सकता है कि फील्ड ऑफ व्यू अच्छा आ रहा हो और सिर्फ बाइक का पार्ट नहीं आ रहा हो, बाकी सारी चीज़ रोड भी आ रहे हों। तो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।